हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी है एक चुनौती वाली, जो कि आपको पसंद हो सकता है आए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो आपके घर जब प्रसाद बचते हैं तो आप क्या करते हैं? हाँ हाँ, इस तरीके, जैसे लड्डू, बतासा, मूँगफली, काजू बादाम और जो भी प्रसाद हैं, तो इसमें ड्राई फ्रूट भी होते हैं, इसमें फल भी होते हैं प्रसाद में हमारे घर। तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते या हम खाना पसंद नहीं करते, मतलब एक बार प्रसाद के नाम से ले लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये रखे के रखे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाते हैं, जो कि बच्चे तो क्या बड़े भी मांग के खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, रामदाना, शेंगदाना और ये लड्डू और बताशा, बहुत ढेर सारे इसमें हैं। तो इसमें चाहे प्रसाद का मतलब ही होता है जो भी इसमें आ जाए। अगर आपके घर भी ऐसे बच गए हैं तो इसको कर डालिए ऐसे काम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ ग्राइंड जार ले लिया है, उसमें डालेंगे सारे ये प्लेट वाला प्रसाद। और ये प्रसाद यूज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, तो मैं यही करती हूँ, तो मेरे दिमाग में आया। चलिए, तो इसके साथ साथ आपके पास जो भी बिस्किट, जितना भी बिस्किट है, मेरे पास इतना था पड़ा तो मैंने डाल दिया। तो आपके पास और ढेर सारे हैं, कोई भी ओरियो या कोई भी बिस्किट ऐसे, तो साथ में डाल दो, टेस्ट ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि प्रसाद में भी शक्कर ही है और रामदाना भी है। तो यहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा ये प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, तो बच जाते हैं, तो इस तरीके से हम बना देते हैं, बहुत ही अच्छा रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच पानी। इसके जगह पे आप मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क फुल फैट हो तो और अच्छा है। मिल्क हो तो मिल्क वाली चीज़ तो भाई बेस्ट लगती ही है, मैंने तो पानी से ही कर दिया है, आप मिल्क से ही करिएगा, टेस्ट और अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, देखिए ग्राइंड करके एकदम, आप छाल के ही डालिएगा अगर उसमें गुठलियाँ रहे, मेरे में नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं छाला। तो यहाँ पर 1 बाउल यानी कि 200 ग्राम मैंने लिया है मैदा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैदा आप छाल के ही लीजिएगा, और मैदा अगर पैकेट वाला हो तो वो जान लीजिए सोने में सुहागा है, नहीं है तो आप भटूरा वाला भी मैदा ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस मैदे को छान रही हूँ, ये छोटी सी बाउल है, उसी बाउल 200 ग्राम इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छाल के मैं साइड करने कर दूँगी, और फ्रेंड्स इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं जाएगा। ये देखिए, 2 चम्मच भर के, 2 से 3 चम्मच हो जाए लेकिन इससे कम ना हो। ये कुकिंग ऑयल है, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही स्पॉन्ज अच्छी बनेगी और मॉइस्चर रहेगा। तो चलिए इसको फिर से एक बार चला देते हैं, और अभी आवश्यकता पड़ेगा पानी का, तो यहाँ पे पानी का भी यूज होगा। तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं, उनको मतलब कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, 2 से 3-4 चम्मच, लगभग 8 चम्मच मैंने दूध डाला है, दूध और पानी मिक्स था तो वही मैंने डाला है 8 चम्मच लगभग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फुल फैट, जैसा कि मैंने कहा फुल फैट दूध हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसमें कोई भी, आप जैसे केक में डालते हैं वनीला एसेंस, कुछ भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, आपको फ्लेवर में अच्छा चाहिए तो। तो इसमें इलायची था ना प्रसाद में, इसलिए मैंने नहीं डाला है कुछ भी। तो इस तरीके से चाहिए इसका बैटर। तो फ्रेंड्स, ये बैटर मेरा तैयार हो चुका है, देखिए इस तरीके का, कुछ नहीं तामझाम करना। अभी एक चीज़ और डालना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बच्चे की फरमाइशें कम नहीं होती, आज मैं टिफ़िन में ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, तो कभी ये भी चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ टोपा में मैंने पानी रख दिया है 1.5 ग्लास, उसके ऊपर एक छलनी रख दिया, पुरानी छलनी पड़ी थी तो उसको मैंने डाल दिया है उस टोपे में। आप कोई भी स्टैंड हो तो रख सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने कहा लास्ट में एक चीज़ और जाएगा, तो ये है इनो। अगर इनो नहीं है तो अदरवाइज आपके पास कभी कभी होता है, नहीं होता है तो आप उसके जगह पे बेकिंग पाउडर के आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर उसके ऊपर नींबू का छिड़काव कर दीजिए, इनो का काम करेगा, फॉर्मेट हो जाएगा अच्छे से बैटर आपका। ये देखिए, मैं अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए हल्का सा पानी डाल दी इनो के ऊपर, अब इसको चला दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बची खुची चीज़ें की रेसिपी बन रही है, अगर थोड़ी बुरी भी बने की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि डेकोरेट मैं नहीं करूँगी, तो हो सकता है कि बच्चों को तो स्पॉन्ज बहुत अच्छा लगता है, वो केक का हो तो वही ऐसे खा जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से ये केक ही बन रहा है बच्चे के प्रसाद से। तो यहाँ
तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुकिंग ऑयल मैंने ग्रीस कर दिया है अच्छे से। अब ये बैटर सारा उठाकर मैं डाल दूंगी, और जैसे ही इनो मैंने डाला तुरंत बैटर उठा के इसमें डाला इनो, बस दो से तीन बार मैंने एक ही डायरेक्शन में चलाया और बस इसको टैप टैप करके। और वहाँ पे पानी मैंने रखा है, उबल रहा है पानी, उसके ऊपर स्टैंड रखा है छलनी वाला। अब चलिए खोल के इस पर डाल देते हैं, ये रख देते हैं अपना स्टैंड। तो फ्रेंड्स बहुत, अगर आप ऐसे पानी में नहीं बनाना चाहते और ही खूबसूरत केक चाहते हैं, इसकी रेसिपी चाहते हैं, तो आप कढ़ाई में ही कुक करिएगा। उससे जो होता है कढ़ाई में नीचे रेत नहीं रखिएगा, बस ऐसे प्लेट रख के डायरेक्ट धीमी आंच पे रख दीजिएगा, बहुत अच्छा कुक हो जाएगा, थोड़ा सोंधापन आ जाता है। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगा मेरा कुक होने के लिए, मेरा ये केक बहुत ही अच्छा फूक चुका है, मुझे ऐसा मतलब एकदम हल्का लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है। तो चलिए चलिए निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स कलर पे मत जाइएगा, बेशक इसका कलर बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने ना तो चॉकलेट डाला है ना तो कोई ऐसा फूड कलर डाला है, तो कलर पे मत जाइए। स्पॉन्ज पे कितना स्पॉन्जी बना है देख के ही लग रहा है, तो यहाँ का भाग निकल चुका है, मैं चिपका रही हूँ। तो फ्रेंड्स हो जाती है, ये देखिए कितना लूज और कितना स्पॉन्जी बना है, आपको देखने में ही लग रहा है। तो बचे हुए प्रसाद से कोई नहीं कहेगा कि ये बना है, तो ऐसे टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपके पास आपके अंदर केक बनाने का हुनर है तो क्रीम वगैरह आप लगा सकते हो, बट अगर इसी तरीके से कौन क्रीम लगाने जाए, तो स्पॉन्ज मैं बनाई हूँ सिर्फ, इसको कोई डेकोरेट नहीं करूँगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा अच्छा से अच्छा दिखने वाली चीज़ें पसंद होती हैं। फिलहाल मैं बच्चों को खाने के लिए बना रही हूँ, तो दिखाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे चलिए मेरी स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया, जो कि बहुत ही मुलायम बहुत सॉफ्ट बनी है। तो फ्रेंड्स ऐसे कभी आपके यहाँ प्रसाद, क्योंकि प्रभु और नारायण की पूजा तो हमेशा होती है हर घर में, तो प्रसाद बच ही जाते हैं, तो ऐसे इकट्ठा करके रखिए, बनाइए ये रेसिपी। तो फ्रेंड बहुत पसंद आया है बच्चों को, तो यहाँ पे ऐसे पीसेस पीसेस कट कर दे रहे हैं, उनको दिन भर भूख ही लगती है, तो जब भी कुछ मांगेंगे तो ये इतना कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, तो उनको एक पकड़ा दो और खा लेंगे तो उनका पेट भी भर जाएगा। तो इसमें क्रीम वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल हेल्दी है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी खाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका स्वाद। अगर आप इसमें ऊपर से स्पॉन्ज में क्रीम वगैरह लगाते हैं डेकोरेट करते हैं तो किसको नहीं पसंद आएगा, तो ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से टिफिन डब्बे में करके फ्रिज में रख सकते हो, 2 से 4 दिन तक ये खा सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये प्रसाद वाली रेसिपी, तो प्लीज़ बताइएगा, और बची हुई प्रसाद से भगवान का फेंकिएगा नहीं, इसी तरीके से यूज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।